तो बचपन में तो आप सब लोग एक टैडी के साथ खेले होंगे, पर क्या होगा जब एक टैडी के अंदर जान आ जाए और वो बड़ा होकर सस्ते नशे करने लगे और लड़कियों के साथ इंटीमेट होने लगे। तो आज की मूवी एक ऐसे ही टैडी पर आधारित है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में दोस्तों हम लोगों को क्रिसमस का एक सीन देखते हैं, जहां पर हम एक जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका आज बर्थडे था। अब कोई भी लड़का उसके साथ बर्थडे मनाने के लिए तैयार नहीं था और ना कोई उसके साथ खेलता था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा उदास था। उसको अपने बर्थडे गिफ्ट में उसके पेरेंट्स से एक टैडी मिलता है जिसका नाम वो टेड रखता है। रात को वो उसे अपने साथ लेकर सोता है और सोते वक्त वो गॉड से विश मांगता है कि उसका टैडी जो है उसके अंदर जान आ जाए। अब सुबह होती है, हम लोग जॉन को देखते हैं कि वो अपने टैडी को ढूंढ रहा होता है और तभी टैडी उसके सामने आ जाता है। टेड को बोलता था कि जॉन की बुरी तरह से फट जाती है, पर फिर वो ये सोचता है कि ये विश उसने क्रिसमस की रात को मांगी थी, तो क्या पता वो सच में सही हो गई हो। अब हम लोग देखते हैं कि जो टेड है, अब कुछ दिन बीतते हैं और टेड बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। उसके बारे में जो न्यूज है वो न्यूज चैनल्स पर चल रही है और उसको इंटरव्यूज में भी बुलाया जा रहा है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कुछ साल बीतते हैं और हम देखते हैं कि जो जॉन है वो टैडी से इतना प्यार करता है कि वो उसे किसी भी कॉस्ट पे खोना नहीं चाहता था। अब यहाँ पर 225 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन अब बड़ा हो चुका है और यहाँ पर टैडी उसके साथ बैठा हुआ है, जहाँ पर ये दोनों बैठकर सस्ते नशे कर रहे हैं और गंदी गंदी मूवीज देख रहे हैं। अब ये लोग दोस्तों, इनके अंदर इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी कि अब हम कही क्या सकते हैं कि एक आदमी असली आदमी के अंदर इतनी बॉन्डिंग नहीं हो सकती। हम यहाँ पर देखते हैं जॉन की गर्लफ्रेंड को, जिसका नाम लॉरी होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉरी थी उसको यहाँ पर टेड बिल्कुल पसंद नहीं था। अब यहाँ पर हमें एक रात का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉरी और यहाँ पर जो जॉन था, ये दोनों एक रूम में इंटीमेट हो रहे थे, पर लाइटनिंग चमकने की वजह से जो टेड था वो डर गया था और इन दोनों के बीच में आकर सो गया था। यहाँ पर जो लॉरी थी, अब उसका मन तो दोस्तों उदास हो ही जाता है क्योंकि जॉन ने उसको गर्म करके रखा था, पर वो उसको गर्म करके ठंडा छोड़ देता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये लोग होटल में आते हैं एक डिनर करने के लिए। ये लोग वहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो लॉरी थी वो जॉन से कहती है कि तुम टेड का साथ छोड़ दो, तुम हम दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो, अगर तुम उसे चूज करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में आज के बाद फिर से दखल नहीं दूंगी। और जॉन उससे लॉरी से कहता है मैं इन दोनों ऑप्शन में से किसी को भी नहीं चुनूंगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो लॉरी होती है वो रूम पे आती है और हम देखते हैं कि जो टेड है यानी कि हमारा टर्की गुड्डा, वो कुछ लड़कियों को लेकर अपने साथ सोफे पे पड़ा है और उनके साथ चीजें कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जॉन होता है टेड को अपने घर से निकाल देता है लॉरी के कहने पे और वो उसको एक सुपरमार्केट में जॉब इंटरव्यू के लिए भेजता है। इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी जान है कि तुम इस जॉब को कर सकते हो, तो टेड उससे कहता है मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं तुम्हारी वाइफ को भी प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो इंटरव्यूअर उसकी बात पे बिना गुस्सा हुए उसको जॉब दे देता है और साथ ही साथ जॉन भी टेड को एक दूसरे अपार्टमेंट में रूम दिला देता है, क्योंकि घर पे लॉरी ने जॉन को टेड को रखने के लिए मना कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि जॉन टेड से चोरी छिपे मिल रहा था, तो वो भी अब टेड से कह देता है कि अब हम नहीं मिल सकते, पर फिर भी ये दोनों चोरी छिपे पार्क में मिलते थे और वहाँ पर गांजा फूंकते थे। अब ये दोनों वहाँ पे एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी अपने बेटे रॉबर्ट को लेकर आता है और वो जॉन से कहता है कि अगर तुम्हें टेड को बेचना हो तो तुम वो मुझे दे सकते हो और ये लो मेरा कार्ड, और जब भी तुम्हारा मूड बने तो तुम इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं क्योंकि टेड जॉन की लाइफ से चला जा चुका था, तो यहाँ पर टेड और लॉरी भी खुशी खुशी रह रहे थे। अब हम टेड को देखते हैं जो अपनी शॉप में होता है और एक लड़की को ऊपर डोरे डाल रहा होता है और वो फाइनली उसे सेट कर ही लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो टेड है वो जॉन से बातें कर रहा होता है और उसे कहता है कि मेरे हाउस पर एक पार्टी और तुम्हें आना होगा, उसे बताता भी है कि मैंने कुछ रशियंस भी बुला रखी हैं। हम लोग अगला सीन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं शॉपकीपर को, उसकी दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी थी क्योंकि काउंटर पे टेड नहीं था। अब शॉपकीपर टेड को देखता है, अब पता है वो क्या कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, इंटीमेट हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, वहां पर इंटीमेट होते हुए शॉपकीपर उसे देख लेता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जॉन और लॉरी थे वो एक पार्टी में आए हुए थे अपनी बॉस की में, तभी यहाँ पर जॉन को एक कॉल आता है जो कि टेड का कॉल था। वो उस कॉल को अटेंड करता है और टेड उसे कहता है कि आ जाओ जल्दी मेरी पार्टी, मैंने तुम्हें इनवाइट भी करा था पर तुम अभी तक नहीं आए। तब दोस्तों जॉन को याद होता है कि उसने सही में इनवाइट करा था और वो अपनी कार को लेकर फास्ट फास्ट एकदम जाता है टेड के घर पे। अब ये लोग दोस्तों वहाँ पर तभी इतना तगड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लॉरी आ जाती है, जहाँ पर हमें पता पड़ने वाला है कि इनकी कहानी अब खत्म होने वाली है। यहाँ पर लॉरी जॉन को छोड़ के चली जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझ में और टेड में से किसी एक को चूज कर सकते हो और अगर तुम उसे चूज करते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब दोस्तों यहाँ से जो लॉरी अपनी इस बात को कहकर वहाँ से चली जाती है और जहाँ पर जॉन होता है वो अब अकेला पड़ जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो लोग अकेले हो जाते हैं, एक तो टेड और एक यहाँ पर जॉन भी अकेला हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो लॉरी का जो मैनेजर होता है वो उस पर डोरे डालने की कोशिश करता है, उसको सेट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने अब जॉन को एक तरह से तलाक दे दिया था। हम देखते हैं बेशरम टेड को फिर से जॉन के घर आ जाता है और उसे बताता है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मैनेजर है यानी कि लॉरी का मैनेजर, वो उसे डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, उसे सेट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना तुम मुझे सागर समझाओ। यहाँ पर दोस्तों जॉन और टेड के बीच में इतनी बुरी तरह से लड़ाई हो जाती है, पर दोनों ही बेशरम थे फिर से एक साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो लॉरी थी वो अपने मैनेजर के साथ एक डेट पर आई हुई थी म्यूजिक सिंगिंग कॉम्पिटिशन देखने के लिए।
वहाँ पर जॉन आता है और सेलवोन भाई का गाना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चलाता है। अब हम देखते हैं लॉरी को जो कि अपने मैनेजर के साथ डेट कैंसिल कर देती है, और हम देखते हैं टेड को जो लॉरी के घर आता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, आगे से मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, और कहता है कि प्लीज़ तुम एक बार जाकर जॉन से बात कर लो। अब इसके बाद दोस्तों जो लॉरी होती है वो उसकी बात को मान लेती है और वो जॉन के पास चली जाती है बातें करने के लिए। तभी कुछ देर बाद यहाँ पर रॉबर्ट और उसका फादर आ जाता है जो कि टेड को अगवा कर लेता है, इनकी किडनैप कर लेता है। वो टेड को अपने घर लेकर जाते हैं और ज़बरदस्ती उससे कहते हैं कि तुम्हें रॉबर्ट के साथ खेलना होगा। वो टेड के साथ खेलने से मना करता है तो रॉबर्ट टेड का एक कान उखाड़ के फेंक देता है। अब वो कहता है कि अब सोचता है कि अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता तो मुझे बचने का कोई आइडिया ढूंढना होगा। वो रॉबर्ट को खेल में लगाकर कॉल करता है जॉन के पास और उसे बचाता है कि मेरे को अगवा कर लिया कुछ लोगों ने और वो लोग वही लोग हैं जो हमको पार्क में मिले थे, यानी कि रॉबर्ट और उसका डैड, और तुम्हें मुझे जल्दी ही बचाना होगा। तभी वहाँ पर दोस्तों रॉबर्ट का डैड आ जाता है और वो टेड को फोन पे बात करते हुए देख लेता है। वो टेड को अपनी कार के डिग्गी में डालकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। जॉन रास्ते में ही देख लेता है टेड को ले जाते हुए। इनके साथ लॉरी भी होती है। अब हम देखते हैं कि इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जो टेड है वो कार से निकल के एक टावर पे चढ़ने लगता है और जिसके पीछे पीछे रॉबर्ट का फादर आ जाता है। अब कहाँ मानने वाला था, वो भी बेशर्म था, पड़ गया था अपने बेटे के चक्कर में। अब वो दोस्तों टेड के पीछे पीछे जाता है और वो टेड को पैरों से खींचने लगता है जिससे कि टेड जो होता है उसकी सारी रुई निकल जाती है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। अब टेड यहाँ पर मरने लगता है और यहाँ पर जो जॉन था वो भी रोने लगता है और वो उसको दोनों टुकड़े लेकर अपने घर पे जाता है और लॉरी टेड को सिलने लगती है। अब दोस्तों रात का सीन होता, हम देखते हैं कि लॉरी जो है वो गॉड से विश मांगती है कि जो टेड है वो फिर से जिंदा हो जाए। अब जॉन को तो कोई उम्मीद नहीं थी कि टेड जिंदा हो जाएगा, पर रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। दोस्तों टेड यहाँ पर सच में ही जिंदा हो जाता है और जॉन के सामने उठ के खड़ा हो जाता है। दोस्तों यही हमारी मूवी का एंड चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि इनकी जो फैमिली थी वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रही थी और जो लॉरी थी उसने भी अब टेड को एक्सेप्ट कर लिया था। हम देखते हैं यहाँ पर जॉन और लॉरी की शादी हो जाती है और टेड ने भी अपनी शॉप वाली गर्ल को पटा लिया था, उसके साथ शादी कर रहा था। मूवी दोस्तों यहीं पर एंड होती है। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए फ्यूचर में वीडियो बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।